थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल हम एक ज़ॉम्बी वाली वेब सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डे ऑफ द डेड। अब इस नाम से पहले भी एक मूवी रिलीज हुई थी, डे ऑफ द डेड ब्लड लाइन, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डे ऑफ द डेड सीरीज़ के बारे में, जो 2021 में 14 नवंबर को रिलीज़ हुई थी। अब इस सीरीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इसकी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसकी रेटिंग जो है वो 4.6 की है। अब आप सब कहोगे कि इसकी रेटिंग क्यों बताई मैंने, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तूने इसकी रेटिंग क्यों बताई। तो मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ कि इसकी रेटिंग कम होने के बावजूद क्या ये सीरीज़ अच्छी है, देखने लायक है या नहीं। अब इस चीज़ की जो हम जो तुलना करेंगे या कंपैरिजन करेंगे, हम इसकी रेटिंग से ही करने वाले हैं। पहले तो स्टोरी तो मैं बाद में बताऊंगा क्या देखने लायक है या नहीं, सबसे पहले हम करेंगे इसका कंपैरिजन। तो पहले नंबर पर अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी हाल ही में एक जो है ज़ोंबी वाली वेब सीरीज मूवी आई थी, रेसिडेंट एविल वेलकम टू रकून सिटी। अब काफ़ी सारे लोगों ने इसे देख लिया होगा, ये रेसिडेंट एविल की एक रिबूट वाली मूवी है। अब इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग है 5.2 की। अब इसे कितने लोगों ने जो इसे रेटिंग दी थी IMDb पर, इसे रेटिंग दी थी 27,329 लोगों ने IMDb पर। चलो ये तो हो गई रिसेंटली वाली मूवी। अगर हम रेसिडेंट एविल जो पहली वाली जो रिलीज हुई थी तकरीबन शायद 2002 में रिलीज हुई थी, उसकी अगर रेटिंग की बात करें तो उसकी रेटिंग है 6.7 और इसे जो रेटिंग दी थी IMDb पर तक लगभग लगभग 1,61,000 लोगों ने। और जैसे कि मैंने थंबनेल पे ही लिखा था क्या ये वॉकिंग डेड जैसी है या नहीं या उससे अच्छी है, जो भी है, मतलब मैंने वॉकिंग डेड का भी जिक्र किया था। अगर हम वॉकिंग डेड की रेटिंग की बात करें तो उसकी रेटिंग लगभग 8.2 की है और वॉकिंग डेड की जो रेटिंग दी थी वो लगभग लगभग 9,21,000 लोगों ने इसे रेटिंग दी थी। और अब बात कर रहे थे हम किस चीज की, डे ऑफ द डेड। अब इसकी रेटिंग कितनी मैंने बताई 4.6 की और इसे रेटिंग कितने लोगों ने दी, सिर्फ 1,400 लोगों ने। अब इस चीज़ से हम इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सीरीज़ जो है ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची, जिस वजह से इसकी रेटिंग कम हो सकती है। तो अब आप अपने दिमाग में से ये वाली चीज़ तो निकाल ही देना कि जो इसकी रेटिंग कम है तो शायद ये सीरीज़ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपका कंपैरिजन तो यहाँ पे खत्म कर दिया है। बात कर लेते हैं अब हम इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन की और क्या ये देखने लायक है या नहीं। तो सबसे पहली बात, ये इंग्लिश में है, पहले ही बता देता हूँ, कभी आप एंड तक यही सोचो कि शायद हिंदी में है, तो ये इंग्लिश में है। 10 एपिसोड इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, तकरीबन 40 से 50 मिनट के बीच के सारे एपिसोड हैं। अब सीरीज़ की जो कहानी हमारी स्टार्ट होती है तो देखो सीधी सी बात है, ज़ोंबी एपोकलिप्स देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें जब हमारी सीरीज़ स्टार्ट होती है तो आपको लगभग लगभग 3 या 4 जगह अलग अलग जगह ज़ोंबी एपोकलिप्स की स्टार्टिंग देखने के लिए मिलती है, जो अलग अलग ग्रुप होते हैं जो कि ज़ोंबी एपोकलिप्स से बचने की कोशिश करते हैं। वहाँ फर्स्ट टाइम एपोकलिप्स होता है और फिर कैसे वो धीरे धीरे एंड आते आते सारे जितने भी वो ग्रुप होते हैं एंड तक हो जाते हैं, यही सीरीज़ में हमें देखने के लिए मिलता। अब मैंने बात करी थी वॉकिंग डेड से, क्या ये वॉकिंग डेड से बेटर है या नहीं। देखो वॉकिंग डेड से तो बेटर नहीं है, लेकिन ये वॉकिंग डेड जैसे ही एक सिमिलर सीरीज़ बन के रह जाती है। मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो इसमें ज़ोंबी की जो अपीयरेंस है वो काफ़ी हद तक आपको वॉकिंग डेड की याद दिला देगी। सीरीज़ को आप ऐसे के चल सकते हो कि ये जो है एक वॉकिंग डेड और जो ब्लैक समर वेब सीरीज है ज़ोंबीज वाली, इन दोनों का ही एक थोड़ा सा दोनों का टेस्ट लेके एक विक्स वाली वेब सीरीज बनके रह जाती है। अब इसमें अगर बात करें ज़ोंबीज की तो ज़ोंबीज इसमें काफ़ी ही बढ़िया दिखाए गए हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें 10 एपिसोड के हिसाब से सिर्फ आपको बातें वगैरह दिखाई जाएंगी, आपको हर एपिसोड में लिटरली कम से कम 20 से 30 मिनट का ज़ोंबी सर्वाइवल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ज़ोंबी तो इसमें भर भर के रखे गए हैं। बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इतनी वैसी नहीं है ट्विस्ट एंड टर्न वाली। हाँ, अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न देखने के लिए मिलेंगे लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसमें कभी कभी जो सीरीज है वो थोड़ी सी स्टूपिड खेल जाती है, मतलब अब स्टूपिड वाला मेरा कहने का मतलब है कहीं कहीं पे जो है वो रियलिटी को भूल कर अलग ही लेवल में चली जाती है, तो वो चीज़ थोड़ी बहुत हमें लगती है, थोड़ी सी क्लीशी फेल हो जाती है, मतलब फील होती है, तो उस चीज़ को आप एक बार को इग्नोर कर सकते हो। सीरीज़ की कास्ट की बात करें तो सीरीज़ की कास्ट काफ़ी ही बढ़िया थी। सीरीज़ की मैंने जैसे बताया स्टोरी लाइन वो भी काफ़ी ही बढ़िया थी, आपको 10 के 10 एपिसोड जो है इतने ज़्यादा लंबे नहीं लगेंगे और ज़्यादा मैंने कहा था ना कि इसमें ज़्यादा लंबी स्टोरी आपको मतलब ऐसी नहीं मिलेगी कि आप इसमें बोर हो जाओ, तो बोर तो नहीं होगे। थोड़ी बहुत अगर हल्की मुल्की स्लो लगी जहाँ पे जो कि नॉर्मल ज़ोंबी एपोकलिप्स से हट के जो कन्वर्सेशन होती है वो शायद आपको बोर लग सकती हैं, लेकिन ओवरऑल सीरीज़ काफ़ी ही बढ़िया है। सीरीज़ का क्लाइमेक्स की बात करें तो सीरीज़ का क्लाइमेक्स भी काफ़ी ही बढ़िया लगा, जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। और अगर इसमें कास्ट की जैसे मैंने बात की थी तो मेरा इसमें अगर फेवरेट कैरेक्टर की बात करें तो मेरे इसमें सारा ब्लैकवुड का कैरेक्टर था। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बंदी हार्ड थी यार, तो जिस वजह से मुझे वो पसंद आई। ओवरऑल अगर सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ जो है जितनी रेटिंग उसे मिल रही है इतनी डिजर्व नहीं करती, और अच्छी खासी रेटिंग उसे मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
अब आप लोग देख के बताइए। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंपैरिजन भी बता दिया था कि कितने लोगों ने इसे रेटिंग दी थी। जिस हिसाब से इसकी रेटिंग 4.6 के हिसाब से भी, 1400 लोगों के हिसाब से भी काफ़ी ही बढ़िया है। अगर इसे तकरीबन इतने लाख लोग देते जैसे औरों को दिया है, तो इसकी भी रेटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती। अब बात करें तो देखो इसका सीज़न 2 भी आ सकता है, तो आप इसे जाकर चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। और देखो मैंने आपसे जैसे कहा था कि ये इंग्लिश में है, तो आपको इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप सबटाइटल के साथ इसे आसानी से इंजॉय कर सकते हो। देखो आपको इतना तो पता ही होगा, ज़ोंबी वाली जो वेब सीरीज़ होती हैं उनमें इतने ज़्यादा जो है डायलॉग मेन नहीं होते हैं। आप नॉर्मली आप समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप विजुअली समझ सकते हो, तो आप इसे इंजॉय कर सकते हो। तो जाके जैसे ज़रूर चेकआउट करें, और हम करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना जादू टोना के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर भी फॉलो कर सकते हो, ताकि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सको। अगर आप मुझसे जो भी बात करना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम जो है कर सकते हो। तो बस लेते हैं अलविदा, और आप रखना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।